डॉक साहब कैसा लग रहा है, 1000 से ज्यादा बच्चे हैं आज के शिविर में। बिल्कुल, टीम बाड़मेर के द्वारा समर कैंप जो आयोजित किया गया है इसमें 800 बच्चे भाग ले रहे हैं और 70 से ज़्यादा एक्टिविटीज़ होने वाली है और इसमें बच्चों को अपना हुनर निखारने का मौका मिलेगा। तो मुझे आशा है कि आज यहाँ पे जिन बच्चों ने ये कैंप ज्वाइन किया है वो निसंदेह ही कुछ ना कुछ ऐसा सीख के जाएंगे जो वो अपने करियर में काम आएगा। आपने केवल सुई धागे को, जिस कसीदाकारी को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलवाई, ये बच्चियां जो है यही हुनर और स्किल के डेवलपमेंट पर वहाँ जा सकती है। बिल्कुल, मैं तो हमेशा यही चाहती हूँ कि बाड़मेर के हर बच्चे आगे आए, क्योंकि एक रूमा देवी तक ही सीमित नहीं रहे, कई रूमा देवी ऐसी निखर के आए तभी मुझे खुशी होगी। कितना जरूरी है महिलाओं और बालिकाओं के लिए इस तरीके के प्रशिक्षण शिविर? बहुत जरूरी है, क्योंकि जब स्कूल जाते हैं बच्चे तो पढ़ाई करते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा जो एक्टिविटी होती है वो इस तरीके से जो कैंप आयोजित होते हैं उसी में ही होती है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है इन बच्चियों के लिए। इस गर्मी में ये वैसे भी कुछ नहीं कर सकते, घर बैठ के टाइम पास करेगी, लेकिन यहाँ पे अगर कैंप में आके कुछ सीखेगी तो जिंदगी में इनके काम आएगा। इन सालों के अंदर महिला साक्षरता बढ़ी है, महिलाओं में जागरूकता बढ़ी है और बेटियों के प्रति रुझान बढ़े पढ़ाई और स्किल डेवलपमेंट के प्रति? जरूर, पहले महिलाएं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती थी या वो घर से बाहर आने में संकोच करती थी, तो आज जो महिलाएं पढ़ाई नहीं कर पाई वो ये सोचती है कि हम तो नहीं पढ़ पाए लेकिन हमारी बच्चों को हम जरूर पढ़ाएंगे, तो वो हर फील्ड में अपनी बेटियों को आगे भेजने के लिए कोशिश करती है, खुद सारे रात दिन मेहनत करती है लेकिन बेटियों को सक्सेस करने के लिए वो पूरी मेहनत कर रही है। आप खुद सेलिब्रिटी है और आम परिवार से बढ़ करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप गए हैं, बच्चियाँ सेल्फी खींच रही थी, जैसे सेलिब्रिटी मिली है, क्या संदेश है बेटियों? बच्चियां जिस तरीके से सेल्फी ले रही है मुझे बहुत खुशी होती है, लेकिन मैं बच्चियों को ये कहना चाहूंगी कि आप सिर्फ फोटो लेके खुश मत होइए, कुछ न कुछ ऐसा ग्रहण करिए कि हमें भी ऐसा काम करना है जिससे हमारे साथ भी ऐसे ही और बच्चियां आके सेल्फी लें और लोग हमारे सेल्फी लें और हम बाड़मेर का नाम रोशन करें। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आप जब जाते हैं वहाँ की बच्चियाँ जो है और अपने बच्चियों में कितना फर्क है, अब स्किल डेवलपमेंट में कितना फर्क है? वहाँ पे एजुकेशन ज़्यादा है, यहाँ पे जो गांव की बच्चियाँ हैं वो एजुकेशन से थोड़ी दूर है, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पे भी डेवलपमेंट हो रहा है और बच्चियाँ एजुकेशन में आगे आ रही हैं, हर फील्ड में आगे आ रही हैं, तो निसंदेह ही हमारे बाड़मेर की बेटियाँ हैं वो भी एक दिन अपना नाम रोशन जरूर करेगी। आपका संदेश बेटियों के नाम? मैं हमेशा एक संदेश देती हूँ कि महिला का सम्मान करें, सपोर्ट करें, अपने हक के लिए खुद लड़े, हम सब में कोई ना कोई हुनर जरूर है तो क्यों ना हुनर के जरिए आगे बढ़े, स्वावलंबी बने, अगर खुद पे विश्वास है तो खड़े रहे, अड़े रहे। डॉक्टर रूमा देवी जी, अंतर्राष्ट्रीय फैशन डिजाइनर, आज शिरकत की इस कार्यक्रम में, ये निःशुल्क रूप से कार्यक्रम है पूरा और कई कोर्सेज यहाँ हो रहे हैं गांधी चौक में और गांधी चौक के प्रधानाचार्य आदरणीय कमल सिंह जी रानी गांव हमारे साथ है। आप लगे रहते हैं सर दिन रात कहीं ना कहीं? ग्रीष्म अवकाश में बच्चों, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, विभिन्न स्कूलों के हैं, लड़कियां हैं, उनके लिए पिछले साल भी यहां पर अभिरुचि प्रशिक्षण शिविर लगा था और इस बार भी हमने लगाया कि बच्चे ग्रीष्म अवकाश में कुछ न कुछ सीखें, वो चीज़ें सीखें जो पाठ्यक्रम से बाहर है और बच्चे के जीवन के लिए ज़रूरी है। यदि किसी आदमी के भीतर एक हुनर है तो उस हुनर के माध्यम से आदमी बढ़ भी सकता है और यदि आदमी के अंदर हुनर, कोई हुनर नहीं है, चाहे वो कोई भी हुनर हो, पत्रकारिता का हो या पढ़ने का हो या लिखने का हो या चित्रकारी का हो या पेंटिंग का हो, हुनर होना जरूरी है और यदि हुनर है तो आदमी की जीवितता दिखती है और हुनर नहीं है तो आदमी वास्तव में उसका कोई महत्व नहीं है। इसलिए यहाँ पर है वो, हमने पिछली बार भी लगाया था, इस बार भी लड़कियों का लड़कों का कॉमन है, लड़कियां ज़्यादा जरूर है, शिविर दोनों का ही कॉमन है। उम्र के इस पड़ाव में अब रिटायरमेंट पर आप आगे, एक शिक्षक के अंदर बच्चा हमेशा जिंदा रहता है और उसका बचपन हमेशा ही वैसा ही रहता है जैसा बालपन है? नहीं, एक शिक्षक, देखो शिक्षक का एक दायित्व है कि वो जीवन पर्यंत कुछ न कुछ ग्रहण करे और लोगों को, बच्चों को दे, जो उसके पास बढ़िया है वो बच्चों को देने का प्रयास करें, ये शिक्षक की मूलभूत चीज़ है और वो उसके अंदर होनी चाहिए। मैं भी चाहता हूँ, भले मेरा रिटायरमेंट नज़दीक है, मगर बच्चों के भीतर ऐसे ज्ञान का सृजन हो, इस प्रकार का ज्ञान बढ़े ताकि बच्चा अपने जीवन को कामयाब बढ़ा सके और कामयाब होना ही हमारे जीवन की सफलता है।
बाड़मेर शहर के अंदर जगह जगह अभिरुचि शिविर चल रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा क्योंकि गांधी चौक के अंदर पहले यहाँ स्काउटिंग जो गाइडिंग विभाग है उनके द्वारा भी प्रशिक्षण होता था। टीम बाड़मेर के जागरूकता आने के बाद में गांधी चौक में लगातार पिछले कई सालों से अभिरुचि शिविर हो रहा है। मैंने बाड़मेर के तमाम अभिरुचि शिविरों का भ्रमण किया, वहाँ की व्यवस्थाएं देखी, लेकिन सबसे बेहतर निःशुल्क रूप से विशाल भवन, कमल सिंह जी रानीगांव जैसे अनुभवी लोग, उनकी टीम और जो सुविधाएं 50 के लगभग यहाँ जो है अभिरुचि के अनुसार उनको अलग अलग क्रियाकलाप सिखाए जा रहे हैं, बेहतर व्यवस्थाएं, शानदार अनुभव, मोटिवेशनल स्पीकर, देखने लायक शिविर है, सीखने लायक है। एक बार अभी भी आवेदन चल रहे हैं, आप आए और इसमें भाग लें, अपने बच्चों के लिए हुनर स्किल डेवलपमेंट की त्रिवेणी गांधी चौक टीम बाड़मेर है। देखते रहिए तेजल मीडिया, नमस्कार।